कर दिया देखो बार एनर्जी एंड पावर लेसन 5 तुम लोगों को लेसन कौन कौन खत्म हो गया स्ट्रेट लाइनिंग मोशन रिलेटेड मोशन फिर सेकेंड लॉ यानी कि न्यूटन्स लॉ उसके बाद ग्रेविटेशन 3 खत्म हुआ है दो और बचा है जिसमें एक तुम्हारा वर्क एनर्जी एंड पावर है और एक आपका है साउंड ठीक है तो साउंड तो पढ़ेंगे बाद में लेकिन अभी वर्क एनर्जी पावर का आज वर्क खत्म कर लेते हैं आधे घंटे के अंदर क्वेश्चन बनाते हुए इसे पढ़ेगा कैसे कैसे देखो हाँ सुनो नहीं बताना वर्क पढ़ेंगे दो दो तरह का एक पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट फोर्स के द्वारा थ्योरम के हाँ ठीक है और कॉन्स्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क पढ़ेंगे और उसका यूनिट फिर वर्क पे ही होता है एनर्जी और एनर्जी का एग्जांपल यूनिट ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी एनर्जी के बहुत सारे प्रकार होता है नहीं होता है एक आध प्रकार बताओ तो एनर्जी के प्रकार लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी वाइब्रेशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड सो ऑन बहुत सारे एनर्जी होता है ठीक है फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक होगा पावर और इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ एनर्जी जैसे बोलते हैं ना कि इतना एनर्जी कंज्यूम किया है इसका मतलब क्या है कितना यूनिट उठा बिजली ठीक है इसके बारे में हम लोग पढ़ना होता है तो वही है यूनिट ऑफ एनर्जी तो ये तो है डेली का लेकिन उसके पहले पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ठीक है सबसे पहले क्वेश्चन को बनाओ और आंसर जल्दी से बताओ फिर उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ठीक है दिमाग हाँ। में काम कर रहा है सबसे पहले दिमाग लगा करके बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 10 देखो ये तो दिमाग से काम हो रहा है चाहता है एक फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ 10 केज एक्सीलरेशन पूछा तो बता एक्सीलरेशन बराबर ए बटा क्या होता है एम एफ था 20 और ये कितना था 2 तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बता तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बताओ वेलोसिटी ऑफ बॉडी मतलब इस घर से संस्कार नहीं मिला उसको इसके बड़े लोग बुलाते हैं टीचर्स बुलाते हैं तो वो आते हैं ऐसा नहीं संस्कार मिला नहीं वो तो आजकल से नहीं मिलता है नहीं संस्कार नहीं मिलता है घर से सिखाते हुए पहला गुरु होता है कौन माँ होती है माँ तो माँ ठीक है चले जाता है ये क्या होगा कोई कट नहीं वीडियो होता है किसी में था और पीयूष सब बता दे रहे हैं नाम भी बता रहे पीयूष ऐसा है उसके बाद क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड तो एक्सेलरेशन बताओ बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी माइनस यू बाय डी बताओ 7 माइनस 3 बाय 2 यानी रूट बाय 2 यानी कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अरे बोले अभी सही तो बोले थे जब बोले थे वो अंडर मार दिया तो बोला सही बोल रहा है कहता है बॉडी ऑफ मास 20 केजी मूविंग विद वेलोसिटी 45 मीटर पर सेकंड तो बता इसका आंसर कितना सी बराबर होता है एम की यानी कि 20 × 25 तो टोटल कितना 900 तो 900 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ठीक है कहता है बॉडी ऑफ मास 15 केजी मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ए ए इन ईच इज अनदर बॉडी ऑफ मास 3 केजी एट रेस्ट The two bodies combine and move with velocity v. What is the velocity of v in kilometer per hour? इसको तुमने बना के दिया। वैसे आपको टाइम दे लो, सोचो, फिर हम बताते हैं। ये इतना बता कुछ हिंट कर रहे ला बोलो तो हिंट करते हैं। मैं तो बनाऊँ। खाने का जिंदगी और बताते हैं। सोचो। खाने का क्या दिखाओ? तुम्हारे पास टाइम है, इनफ टाइम है, टेंशन नहीं। और जो ऑनलाइन पढ़ेगा वो क्या करेगा वीडियो को बढ़ा के आगे देख लेगा ठीक है क्योंकि वो अभी क्वेश्चन का ट्रायल चल रहा है वो नहीं बना सकता
हाँ वही बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो लिखते नहीं ना हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, देखना पसंद करते हैं। सर आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ाएंगे? देख क्या है, नहीं नहीं फिजिकल है, आज मूड में है कि हम नहीं पढ़ेंगे, तुम बनाना तुम्हारे मेरे तरफ से चॉकलेट बना लेगा चॉकलेट। सर फोन पे कीजिए, फोन पे बना सकते हैं, बना करके बता रहा है। नहीं हुआ तो चलो टाइम क्या कह रहा है, एक ब्लॉक यहाँ और एक ब्लॉक यहाँ, जब दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक वैसे बन जाएगा। ध्यान दे रहा है यहाँ पर, समझो एक बॉडी है जिसका मास 15 किलोग्राम है, तो इसका मास कितने लोग 15 मूव कर रहा था 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका स्पीड था 36। कहता है दूसरा बॉडी जो रेस्ट में था मास कितना था 3, मास 3 था लेकिन वेलोसिटी कितना 0, ठीक है। आप बताओ जब दोनों को एक में कंबाइंड कर देंगे तो दोनों को मास तो एक ही में आ जाएगा, तो 15 3 कितना हो जाता है 18। यही वाला पूछा कि फाइनल स्पीड कितना होगा, बता मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी बराबर मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मास हो गया 15 और गुने 36, 3 गुना 0 और 18 इनटू 3, तो 15 इनटू 36 बराबर 18 इनटू 3, काट देंगे दो बार में तो 15 गुना 30 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। तुम क्या कर रहे थे, निकाल के दिखा रही है, तो बोल दी उसका, तो बोल दी 30 से 24 नहीं हम बोला मिस बोले जो भी तुम बोलते 30 बोले थे सही बात है, किसी का भी हो सकते हैं, सही है कम नहीं। चलो अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान दो, अब ये किसके लिए है, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 80 मीटर इट रीचेस द अर्थ सरफेस इन, बताओ कोई भी बॉडी को अगर ऊपर से छोड़ देते नीचे आने के लिए h हाइट होता था, तो टाइम का फॉर्मूला बताए थे 2h बटा g, बताओ दो रहा s 80 मीटर और g कितना 10 और वार दो रहा 16, तो 16 का रूट कितना निकल जाएगा 4 सेकंड, तो आंसर कितना 4 सेकंड। कोई दिक्कत, तो ये सब क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं था, इजी था, बट खाली देखते चलो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 5 से। अगर कोई भी सर्कुलर पाथ पर चलता है ना,
तो एंगल मतलब सिटी का बाबू क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं ओमेगा क्या बोलते हैं उसको ओमेगा और इसका स्पीड हो गया भी तो याद रखना भी बराबर होता है ओमेगा आर तो ओमेगा आर अगर तुमको ओमेगा चाहिए तो आर को नीचे करेंगे तो क्या हो गया वेलोसिटी बटा आर देखा अब वेलोसिटी बता दो कितना होगा तो डिस्टेंस बाय टाइम और एक बार डिस्टेंस अगर कि चलना चाहेगा तो पूरा सर्कमफेरेंस के बराबर और सर्कमफेरेंस कितना 2 पाई रेडियस ठीक है ये डिस्टेंस और बटा टाइम टाइम कितना सेकंड 14 सेकंड ये हो गया स्पीड बड़ा वाला स्पीड और नीचे में कौन है तुम्हारा रेडियस 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 कट गया तो कितना मिला 2 पाई का 22 बटा 7 और नीचे में था 14 बताओ 7 बटा 7 2 से कौन करेगा सात और ये वाला 11 तो ना 22 बटा 49 रेडियन पर सेकेंड तो आपका आंसर हो गया 22/49 रेडियन पर सेकेंड तो ये हम पढ़ लिए नहीं पढ़े थे ना एक टॉपिक लिख लो कहीं पर लिखो ना टॉपिक कि एक दिन याद करवाना कल ही सर्कुलर मोशन पढ़ाने के लिए ठीक है लिख लो टॉपिक सर्कुलर मोशन नहीं आज बर्क पावर में चले गए तो बर्क को ही पढ़ाएंगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन ठीक है देख लिया अब बढ़ाते हैं आगे चलो आप समझते हैं आगे ये तो बस यहाँ पर था हम लोग आते हैं बोर्ड पर ठीक है ना देखो वर्क क्या होता है वर्क देखो वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट है देखिए थोड़ी सी चीज का डिफरेंस आती है और वो डिफरेंस किस बात का होगा तो दोनों एक है इंटरकन्वर्टिबल है यानी वर्क ही एनर्जी बन जाएगा और एनर्जी से ही हम लोग क्या बना सकते हैं वर्क एंड दोनों जब इंटरकन्वर्टिबल लेकिन फिर भी दोनों में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है ठीक है अब ये वर्क क्या होता है समझ लो वर्क का बस मेन डिफिनेशन बताया गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू ये जब तुम्हारा बताया गया ना ये क्लास 9 ये 9 के अनुसार देखते हैं तो वर्क का मेन फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेकिन थोड़ा सा अगर एंगल पर आ जाए तो उसके लिए डायरेक्टली वर्क का हम लोग एक डिफिनेशन लाते हैं कि फोर्स इनटू क्या लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ displacement of point of application of force of point of application application of force in direction of force in direction of force ठीक है बात समझ याद रख ध्यान दो फिक्स ध्यान दो ये बड़ा सा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा डिफरेंशियल तुम्हारा आ जाता है कहां पर प्लस 9 लेकिन इससे भी 9 में काम नहीं चलता तो कब चलेगा किससे तो चलेगा हमारा ये वाला अगर ये 11th का टॉपिक हो 9th का हो चाहे किसी का भी हो इससे ज्यादा नहीं आता है तो याद क्या रखना है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब ये समझ में आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहते किस पर तो सपोज यहां ध्यान दो ये वाला मान लो कि ब्लॉक है ठीक है बात देख रहे हो और ये मान लो किसी ने फोर्स ऐसे लगा दिया फोर्स तो ये जो तुम्हारा पॉइंट लिख रहा ना ये वाला पॉइंट इसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसे क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अब ये जब पॉइंट पर लगा तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो ये वाले को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन क्या कहते इसको लाइन ऑफ एक्शन तुम ही सोचो इसको यहाँ पर लाते हैं और देखो दिखाते एक्सपेरिमेंट देते लाइन ऑफ एक्शन जरा
कथा गलत भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? देखना इसको लाइन आप ऐसा लिखाते हैं, ध्यान दिया? हम इधर से पीटना चाह रहे थे, ठीक है? जब इधर से पीटना, इधर देखो, जिसको पीटना जल्दी नहीं जाते, इसका एक्शन किधर हो गया? वगैरह ना इसी डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पर लग जाता तो ये कहलाता पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? और यही जब उधर कोई घूम जा रहा था इसी डायरेक्शन में, अगर मालूम इधर चला जाता तो समझो कि ये क्या होता, लाइन ऑफ एक्शन। तो आज सोचो, चलो अब यही बात यहाँ पर सोचो, अब तुम जितना ज्यादा शेयर कर लोगे उतना ही सेलिब्रिटी बनोगे। और नहीं शेयर किया तो नहीं बनेगा, नहीं करना, कॉपीराइट मार देंगे तुम वीडियो दे देंगे, नहीं करें, ध्यान दो, कॉपीराइट तुम्हारा से नहीं उनका भाई रिपोर्ट मार देंगे, रिपोर्ट भी नहीं होगा, अरे सारे मार देते हैं सर, नहीं यार हम भी रिपोर्ट नहीं, किसी को नहीं देंगे, ये तो समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा आप बात समझना कि यही ब्लॉग को हमने क्या किया, एक जगह और लिखा। ये पहले ब्लॉग कहां पर था? यहां पर था, इसको खिसका करके हम आगे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन चले गए, ठीक है? बता पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन वाला था? ये वाला, तो यहां से लेकर के ये वाला होगा। ये जो बना डिस्प्लेसमेंट एस, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम थी? क्या सेम था? तो ये अगर एंगल दोनों का बीच का थीटा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को इधर लाने के लिए हम लोग कॉस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉस। या तो इसको इधर लाने के लिए क्या लगाते हैं? कॉस। तो डायरेक्टली हम इसको अभी सिखाते हैं कॉस क्यों आता है, बताते हैं। लेकिन पहले इतना समझो कि जब हम इसको इधर लाएंगे तो अब ये एस नहीं आएगा, इधर में आया कौन सा? एस कॉस थीटा। साथ में क्या आ जाएगा? एस कॉस थीटा। कब? जब इसको हम फोर्स के डायरेक्शन में लाएं तब। या तो कोई ऐसे कहेगा कि एसी को क्यों लाना, आप एसी को ले आइए। तो जब इसको भी अगर इधर लाते ना तो इधर आता तो बनता कौन सा? एफ कॉस थीटा बनता। कोई दिक्कत है? तो डिफ्लेक्शन में क्या देखा? फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अब हमारा एस न रह करके क्या बन गया? एस कॉस थीटा। इसीलिए मेरा वर्क का मेन फॉर्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा। अब ये है क्या, अब समझ लो, अगर मान लो कि ये है डिस्प्लेसमेंट और ये तुम्हारा है फोर्स और दोनों के बीच का अगर एंगल तुम्हारा थीटा है, तो वर्क जो करेगा, वो जो वर्क होगा वो तुम्हारा एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा। वर्क कितने के बराबर होगा? एफ एस कॉस थीटा का बराबर। बात समझ में क्लियर हुआ? जो बोल रहे हाँ एफ एस कॉस थीटा। तो बार का फॉर्मूला भी याद ना रख करके क्या याद रखना? एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है तो बताओ, हम प्रोजेक्शन तोड़ने के लिए बताए हैं, अगर नहीं बताए तो मैं एक बार और बता देंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हम जस्ट आगे बढ़ रहे हैं कंपोनेंट तोड़ने के लिए। यहाँ तक कोई नोट नोट करना है तो नोट कर सकते हो। तो मेरा बता, बर का फॉर्मूला क्या मिला? एस कॉस थीटा। क्या मिला? एस कॉस थीटा। थीटा क्या था? तो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा? बर, सॉरी थीटा। कोई दिक्कत? और बर का फॉर्मूला आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा। कोई दिक्कत है? हाँ, इसमें सोच रहे थे कि एस सी वर्मा का सारा क्वेश्चन को करवाएंगे, ठीक ना? एस सी वर्मा का, तो एस सी वर्मा का कर लेंगे, किताब तो है ही, है ना? इरेज कर ले इसको, आगे बढ़े। हाँ तो लिख लो ना, ऐसे भेज भी तो देते हैं। नहीं भेजता, तुम लोग कोरिया हो ना, देखते क्या बोलिए, हम नहीं बोले स्टेटस वाला गलत, तुम्हारे पापा देखते हैं क्या? ये प्रिंस नहीं पढ़ रहा है, एग्जाम देकर आया है, कहता है कल हम पढ़े तो देंगे संभाल लेंगे, बहुत ज्यादा लेंगे, बहुत मार्क्स देंगे। चलो पापा को कि मोबाइल फोन में रिचार्ज मत करवाइए, मेरा कोई पैसा नहीं। मेरे को मेरा बोले तो बोले कि इसका रिचार्ज नहीं करते कभी, इसका खुद रिचार्ज हो गया।
कैसा कैसा तुम लोग थोड़ा सा देखो, एक कोड बताए थे पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल सोना चांदी को। तो जब हम देखे ए से होता है साइड, सी से होता है कॉस और टी से होता है टेन। तो हम लोग इसके बारे में सोचे हैं किसके लिए सर, क्या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी को। या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं कर सकते। फिर पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल सोना चांदी को। बी मतलब बच्चों ने हाँ मतलब बी 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 पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल। ठीक है, अब ध्यान, अब थोड़ी सी बात समझो। यहाँ पर, यहाँ पर मान लो कि इस प्रकार से दे दिए ये वाला पंडित, सुनो एस दे दिए, और यहाँ से तुमने 90 डिग्री ड्रॉ कर, और ये कहा गया थीटा। तो इतना हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनस, और बच गया कौन बेस। तो अगर हमारा ये दे दिया है ना, तो हमें पूछा जा रहा है ये वाला बेस की कितना वैल्यू होगा। तो एक बात बताओ, बी और एच किसमें आता है, बी और एच किसमें, कॉस में। तो यहाँ पर कॉस थीटा लगा दो, ठीक है, जब कॉस थीटा लगाएंगे ना तो आएगा बी और बचा एच। कॉस थीटा रहने देंगे, बेस नहीं पता निकालना है, और एच तुम्हारा कितना था एच। तो जब उधर भेज देंगे तो आएगा एस कॉस थीटा किसके बराबर बी। तो अभी तुम बात समझो कि जब हमने लिया डिस्प्लेसमेंट इधर और फोर्स इधर था ना,